हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। कौन सा करना है नेक्स्ट प्रोग्राम सर? फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला आंसर काफी क्वेश्चन अच्छा है, फर्स्ट वाला करते हैं। तो क्वेश्चन को लिखकर हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे साइड में ही रख देते हैं। ये क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर है ब्लू जे स्क्रीन और यहाँ पर बच्चों की पार्टी हो रही है। सर थोड़ी मस्ती, थोड़ा ये सर थोड़ी पढ़ाई। तो ये एरोस खींचना बंद कर दो, मुझे पता है कि किसका है क्योंकि नाम आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा ये, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर काउंट ऑफ 10, 5, 2 कॉइन्स, कैलकुलेट and print total counts of denomination and amount in rupees. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10, 5 and 2 के counting center करना है। ठीक है, मैं question लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ये already इधर है। सीधा हम क्या करते हैं, इसका जो basic figure है वो तो मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ कि बार बार क्या लिखना। तो यहाँ पर कर देते हैं, क्लास का नाम क्या लें, अमाउंट क्लास का नाम दे लिया। अभी क्या करना है, यहाँ पर सोचो मैसेज आपको क्या देना है। मैसेज कम फ्रॉम द क्वेश्चन, मैसेज कहाँ से आएगा, क्वेश्चन से आएगा। इन्होंने क्या बोला है, एंटर, हम भी लिखेंगे एंटर। ओके, क्या लिखेंगे एंटर में, एंटर द काउंट रुपीज 10 रुपीज 5 एंड रुपीज 2 रुपीज 2 कॉन, ये गड़बड़ कर दिया, मतलब वो रुपीज कॉइन एक ही बात है, 2 कॉइन्स। अब पॉइंट ये आता है कि जो वेरिएबल लेना है, देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या लें, रुपीज मतलब एक तो ले लो R10, इसमें 10 की काउंटिंग आ जाएगी, कॉमा R5 रुपीज 5 और R2। तो यहां पर हम जो सबसे पहले एंटर करेंगे R10 की काउंटिंग, R10 में किसकी काउंटिंग आएगी, 10 रुपीज की। R5 में काउंटिंग आएंगी 5 रुपीज की और R2 में जो काउंटिंग्स आएंगी, पहले तो यहाँ तक समझ में आया या नहीं वो मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो सर, क्योंकि दोबारा मैं यहाँ तक नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर आप एज्यूम भी करते चलो, यहाँ पर सपोज 10 रुपीज जो आप एंटर कर रहे हो उनकी काउंटिंग है, सपोज 3 नोट है आपके पास, फिर यहाँ पर 5 के हैं सपोज हमारे पास 10 नोट और 2, अच्छा ये 2 रुपीज का कॉइन हुआ ना, कंफ्यूजन क्या है इसमें, ये 2 रुपीज का कॉइन है और वो कॉइन है हमारे पास सपोज 5, मतलब 2 रुपीज के कॉइन्स ऐसे समझो। ओके, सोचो अगर 10 रुपए के आपके पास 3 नोट है, देखो जब पैसे का पॉइंट आता है ना तो दिमाग बहुत फास्ट काम करने लगता है ना। अब मुझे बताओ 10 रुपए के 3 नोट हैं तो 10 × 3 होगा या नहीं, बताओ। Yes, प्लस अगर 5 रुपए के 10 नोट हैं तो 5 × 10 होगा या नहीं। Yes, sir. और 2 रुपीज के 5 कौन से आए आपके पास, तो 2 × 5 तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा। तो यही तो हमें यहाँ लिखना है, एक आरईएस वेरिएबल ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं एएमटी, तो एएमटी इज इक्वल टू हम यहां क्या लिखेंगे, R10 जो 3 है वो किसके अंदर है, R10 के अंदर है। ओके, इसी फॉर्मूले को ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो कि 10 × R10 10 रुपीज हैं और R10 के अंदर हैं उनकी काउंटिंग्स। ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं? यस सर।
10 इंटू आर 10, फिर 5 इंटू आर 5 प्लस 2 इंटू आर 2, ये आर 10, आर 5, आर 2, ये क्लियर है ना काउंटिंग? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा है। ओके, ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आर को थोड़ा चेंज करते हैं, ये अगर मैं यहाँ काउंट 10 ले लेता हूँ, सी एन टी 10, क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड है ना, सी एन टी 5 और सी एन टी 2, फिर यहाँ पर भी सी एन टी, सी एन टी मतलब काउंटिंग। अब ये थोड़ा रिलेट करेगा सी एन टी, यहाँ आपको काउंटिंग्स मिल रही है, सी एन टी में है टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज के नोट, यहाँ टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज, यहाँ टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज। तो 10 यहाँ सी एन टी 10, सी एन टी 10 के अंदर आपके पास होंगे 10 रुपीज के टोटल नंबर ऑफ नोट्स, कि कितने नोट हैं आपके पास। अब एज्यूम कर लो आपके पास 9 नोट्स हैं 10 रुपीज के, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया? आपको मैंने 90 सर, 90 हो गया। अब यहां पर भी देखो 10 इंटू सी एन टी 10 में 9 है, तो 90 हो गया या नहीं? हाँ सर। ऐसे ही सी एन टी फाइव में मैंने आपको 5 रुपए के 25 नोट्स दिए। अब थोड़ा बड़ा करते हैं, 25 रुपीज दी, या 20 कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 20 नोट्स दे दिए मैंने 5 रुपीज की, तो कितना हुआ सर? 100। 100, तो यहां से 100 आ रहा है या नहीं? 5 into 20, क्योंकि सी एन टी 5 में 20 है। ओके सर, सी एन टी 5 में 20 ले लेते हैं। मैं वैल्यू अब चेंज करता हूँ, तो यहां पर मैंने लिया था 9, ये 90 हो जाएगा। देखो अगर मैं यहां पर 9 लूंगा तो इट बिहेव लाइक अ 90। इंसर्ट 10 इनटू सी एन टी 10, तो ये निकल कर आएगा 90। और यहां पर ये 20 अगर मैंने एंटर किया तो 5 इंटू सी एन टी 5, तो यहां निकल कर आएगा कितना, 100। और ऐसे ही यहां पर, तो अगर आपको ऊपर के दो समझ में आ गए तो नीचे के भी आ जाएंगे। यहां पर 2 इंटू सी एन टी 2 कर देंगे हम, यहां पर सी एन टी 2। अब इसमें प्रिंट कर लेते हैं। सर मेरे को एक डाउट था सर। बताओ सर, ये जो आपने 10 इंटू सी एन टी 10 लिया है, वो ब्रैकेट्स में नहीं आना चाहिए? नहीं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा मैंने वो नंबर जो है उसके बेसिस पर ले लिया है। ओके सर, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट दैट इज अ वन नेम। ये जो सी एन टी 10 है, दैट इज अ नेम। ओके, ये वेरिएबल नेम है। तो यहाँ पर मैसेज क्या आएगा? अब देखो क्वेश्चन में बोल, अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट एंड प्रिंट टोटल काउंट्स ऑफ डिनोमिनेशन। इसका मतलब इन सबके डिनोमिनेशन हमें क्या करने हैं, काउंट करना है, एंड अमाउंट भी लिखना है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम काउंट करेंगे किसका, टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज, टोटल नंबर ऑफ रुपीज 10, 10 का कितना है, तो वो किससे आ जाएगा, सी एन टी 10 से आ जाएगा। मतलब मैसेज अपनी तरफ से कैसे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ऐसा कुछ उसमें ये नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपीज का भी ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा 5, फिर यहां पर आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 2, तो एंड साथ में टोटल अमाउंट, फाइनली टोटल अमाउंट वो AMT में आ जाएगा। अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहां मैसेज आया एंटर काउंट ऑफ 10, 5 एंड 2 कॉइंस। तो यहां पहला मैं एंटर कर रहा हूं 9,
तो ये जो 9 मैंने एंटर किया है वो 10 रुपीज का है। मैं यहाँ पर आपको रिलेट करते हुए चलूंगा कोडिंग से, जितना इजी हो सकता है उतना इजी बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने 9 एंटर किया है वो एंटर हुआ किससे, आपका ये CNT 10 में जा रहा है। फिर मैं एंटर करने वाला हूँ यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो 5 का मैं एंटर करने वाला हूँ 20। ये 20 गया 5 के लिए, और 5 के लिए अगर 2 का मैं एंटर करना चाहता हूँ 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, दैट इज 5। तो ये आ गया 10 रुपीज के आपके 9 नोट्स हैं और 5 रुपीज के 20 नोट्स हैं, 2 रुपीज के 5 नोट्स हैं। ओके, तो टोटल अमाउंट आपका बन गया 200। और आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर। ओके यस सर, गुड।